गुवाहाटी को लाया जा रहा है रांची। जी हां, यौन शोषण के आरोपी है सुनील तिवारी। आज सुनील तिवारी की कोर्ट में पेशी होगी। पूर्व सीएम बाबूलाल के सलाहकार रहे हैं सुनील तिवारी। तो इस वक्त की न्यूज 11 भारत पर बड़ी खबर, यौन शोषण के आरोपी है सुनील तिवारी जिन्हें रांची लाया जा रहा है। आज सुनील तिवारी की कोर्ट में पेशी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल के सलाहकार रह चुके हैं सुनील तिवारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं न्यूज 11 भारत पर, बाबूलाल मरांडी के पूर्व सलाहकार सुनील तिवारी जिन पर संगीन आरोप लगे हैं, यौन शोषण के आरोपी है सुनील तिवारी जिन्हें रांची लाया जा रहा है। आज सुनील तिवारी की कोर्ट में पेशी होगी। बड़े ही गंभीर आरोप लगे हैं बाबूलाल मरांडी के पूर्व सलाहकार सुनील तिवारी पर। यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप बाबूलाल मरांडी के पूर्व सलाहकार सुनील तिवारी पर। आज सुनील तिवारी की कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि बाबूलाल मरांडी के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं सुनील तिवारी और इन पर यह गंभीर आरोप लगना कई सवाल खड़े करता है। न्यूज 11 भारत पर इस समय की हम बड़ी खबर दिखा रहे हैं, बाबूलाल मरांडी के पूर्व सलाहकार सुनील तिवारी को रांची लाया जा रहा है। और सीधा रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी इमरान का, हमारे साथ लाइव जुड़े। इमरान, बाबूलाल मरांडी के पूर्व सलाहकार सुनील तिवारी जिन पर बड़े ही संगीन आरोप लगे हैं, यौन शोषण का आरोपी है, रांची लाने की कवायद की जा रही है, आज कोर्ट में पेश होगी, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए बिल्कुल जैसा, 16 अगस्त को रांची के अरगोड़ा थाना में सुनील तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें यौन शोषण सहित एसटीएससी एक्ट में पूरा मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले में जो है वो सुनील तिवारी बचते फिर रहे थे और फरार चल रहे थे। इसी के बाद पुलिस ने कोर्ट से वारंट लेने के बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा से सुनील तिवारी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद हालांकि उसके बीच गिरफ्तारी के बाद से ही तबियत बिगड़ गई थी। तबियत बिगड़ने के बाद अब उसे जो है वहां पे जो मेडिकल बोर्ड के क्लियरेंस लेने के बाद और कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद आज रांची लेकर के पहुंच रहे हैं। रांची एयरपोर्ट में उसे लाने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर के यहां पर हम कह है तो अरगोड़ा थाने के जो पुलिस प्रशासन है वो यहां पर मौजूद है। थाना प्रभारी सहित कई जो लोग हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त जो है सुनील तिवारी को एयरपोर्ट से बाहर निकाला जा सकता है और यहाँ से सीधे रांची के सदर हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहाँ पर मेडिकल जांच कराई जाएगी। मेडिकल जांच के बाद उसे कोर्ट में पेश की जाएगी। अगर मेडिकल जांच में किसी तरह की जो कमियां या किसी तरह की कोई परेशानी दिखाई देती है और मेडिकल डॉक्टर्स को ये सारी चीजें अगर लगती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत है तो फिर उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया जाएगा। चूंकि ट्रांजिट रिमांड जब दिया गया था उत्तर प्रदेश में तो वहां पर से साफ तौर से वहां पर कहा गया था कि 16 तारीख तक रांची के किसी भी कोर्ट में पेश कर दिया जाना है, पेश करना है। इसलिए तबियत की स्थिति को देखते हुए और दूसरी चीजों को देखते हुए फ्लाइट का इस्तेमाल किया गया, कनेक्टिंग फ्लाइट का इस्तेमाल किया गया, पटना से लखनऊ से पटना, पटना से रांची के जो कनेक्टिंग फ्लाइट है उससे सुनील तिवारी को लाया जा रहा है। अराइवल के लिए जो दरवाजे हैं इसी दरवाजे से अभी कुछ देर के बाद सुनील तिवारी को जो है वो बाहर निकाला जाएगा। और ठीक मेरे सामने में अगर हम अपने सहयोगी कौशल को कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से अरगोड़ा थाने की पूरी टीम एक तरह से कह थाना प्रभारी सहित जो तमाम जो लोग हैं, चूंकि एक महत्वपूर्ण केस है और महत्वपूर्ण केस को लेकर के लगातार थाना प्रभारी इस पूरे मामले पर एक्टिव रह चुके हैं और पूरे अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, तो खुद थाना प्रभारी यहाँ पर मौजूद है और वो पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं जिस तरह से इस पूरे मामले में चल रहा था। अब देखना होगा कि जब सुनील तिवारी को यहाँ पर से लेकर के निकलते हैं तो किस तरह का ये पूरा जो
व्यवस्था होता है, क्या कुछ रहती है, लेकिन इतना तो साफ है कि पिछले 12-17 दिनों से जिस तरह से सुनील तिवारी गायब थे, फरार चल रहे थे, उसके बाद अब जाकर के उनकी गिरफ्तारी हो पाई है और ऐसे गिरफ्तारी के बाद अब रांची पुलिस इसे कोर्ट में पेश करेगा, फिर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। लेकिन सब कुछ स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है कि स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ है। कुछ जो सुनील तिवारी के शुभचिंतक हैं सरोज, वो भी रांची एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं अपने सहयोगियों के माध्यम से। हम दिखाना चाहेंगे कि तस्वीरों में कुछ लोग उसे एयरपोर्ट में सूचना जैसे उनको भी मिले कि एयरपोर्ट में रांची पुलिस लेकर के पहुंच रहे हैं, तो कुछ उनके शुभचिंतक जो हैं वो भी यहां पे पहुंच रहे। तो कुल मिला के बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में सुनील तिवारी को जाना जाता है, और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के काफी हाई प्रोफाइल केस था। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से इस पूरे मामले पर जो चर्चाएं की जा रही थी और राजनीतिक सरगर्मी भी देखने को मिल रही थी, तो ऐसे में अब जब सुनील तिवारी को लेकर के रांची पुलिस एयरपोर्ट पहुंची गई, तो यहां से सीधे रांची के सदर हॉस्पिटल जाएगी, वहां पर मेडिकल जांच कराया जाएगा। मेडिकल जांच के रिपोर्ट के बाद जो है वहां से सीधे सिविल कोर्ट ले जाया जा सकता है, और या फिर सिविल कोर्ट के अलावे जो दूसरे जो लोग हैं वो आ सकते हैं। अलग जो तस्वीरें हैं, जो गाड़ियां हैं, आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पहली गाड़ी जो है हरगोड़ा थाना प्रभारी की, दूसरी गाड़ी जो है वो इसी गाड़ी में जो है वो जो सुनील तिवारी को ले जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि रांची पुलिस इस पूरे मामले में अब तक खुल करके सामने नहीं आ पाई और ना ही इस पूरे मामले में किसी तरह की जानकारी उपलब्ध कराती रही है, लेकिन पूरे मामले की जानकारी समय समय पर जिस तरह से न्यूज 11 भारत दर्शकों को सबसे पहले दिखाता रहा है, और आज सबसे पहले ये सारी चीजें बताई गई है कि लोग कि किस किस तरह से सुनील तिवारी को यहाँ पर लाया जा रहा है, और इसके बाद यहाँ से सीधे रांची के सदर हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, सदर हॉस्पिटल में मेडिकल जांच कराई जाएगी और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्योंकि पूरा मामला यौन शोषण से जुड़ा है, आदिवासी युवती ने, खूंटी के आदिवासी युवती ने रांची के अरगोड़े थाने में 16 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, और प्राथमिकी के बाद से ही लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही थी, और कार्रवाई के नाम पे जो आरोपी को गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले में जब गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, तब जाकर के पुलिस ने वारंट लिया, और वारंट लेने के बाद सुनील तिवारी को पकड़ने के लिए कई टेक्निकल जो टीमें हैं वो गठन किए गए। टीम के गठन करते ही जो इनपुट मिले टेक्निकल टीम की और दूसरे टीमों के सहयोग से, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के इटावा में लोकेशन मिला, और इसी आधार पर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया जिसान। तो अब जो इस दरवाजे से बाहर जब सुनील तिवारी को लाया जाएगा, तो उसके बाद देखना होगा कि रांची पुलिस इस पूरे मामले में फिर क्या कुछ कार्रवाई करती है, चूंकि काफी महत्वपूर्ण था। ऐसे में सुनील तिवारी लोअर कोर्ट में जो है बेल पिटीशन अग्रिम जमानत याचिका भी दायर किया था, क्योंकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब अग्रिम जमानत याचिका उनका जो हाईकोर्ट में भी था वो भी कारगर नहीं हो पाएगा, वो भी अब इस पूरे मामले में एक बार फिर से पूर्ण जो बेल होता है पूरी तरीके से जो बेल की प्रक्रिया होती है उसमें जाना होगा सुनील तिवारी को, और अब जो है वो लोअर कोर्ट, और लोअर कोर्ट से फिर हाईकोर्ट की ओर बेल पिटीशन दायर करनी होगी, तब जाकर के उनको राहत मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति यह है कि इटावा से जब गिरफ्तार किया गया तो स्थानीय सफाई हॉस्पिटल में सुनील तिवारी को एडमिट कराया गया था, जहां पर उन्होंने जानकारी दी थी कि उसे सांस लेने में दिक्कत और दूसरे शरीर में जो है ब्लड प्रेशर के और शुगर की जो बढ़ने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने उसे पहले एक दिनों तक उसे उपचार पर रखा, और उपचार कराने के बाद वहां के मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। मेडिकल बोर्ड ने ये सलाह दिया, कोर्ट ने, स्थानीय कोर्ट ने यह सलाह दिया कि आप उसे रांची ले जा सकते हैं, रांची ले जाने के लिए उनके स्वास्थ्य का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए, इसलिए बाय रोड ना ला करके कनेक्टिंग फ्लाइट का इस्तेमाल किया गया। लखनऊ से पटना, पटना से रांची का जो फ्लाइट है उसमें सुनील तिवारी को रखा गया, और उसके बाद अब रांची जगह, चूंकि पटना की जो फ्लाइट है 13:45 की जो दिखा रही है वो अराइवल दिखाया जा रहा है कि वो लैंड कर चुकी है, और ऐसे में अब सुनील तिवारी किसी भी वक्त, हम साफ तौर से कह दें कि किसी भी वक्त सुनील तिवारी जो है वो एयरपोर्ट से बाहर आ सकते हैं जिसान, और इसके बाद इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई है, जो जांच की गति है और भी तेज होगी। चूंकि गिरफ्तारी नहीं होने से सवाल ये भी उठ रहे थे कि आज तक जो हाई प्रोफाइल मामले हो गए हैं, ऐसे में FIR के लेने के बावजूद, वारंट लेने के बावजूद जो गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, इसी गिरफ्तारी को लेकर के लगातार रांची पुलिस में भी दबाव था, इसी दबाव के दौरान जो इनपुट मिली उसी इनपुट के आधार पर अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया जिसान। लेकिन हम जो तस्वीरें देख रहे हैं कि सुनील तिवारी से मिलने के लिए कई लोग जो हैं वो एयरपोर्ट के अंदर में मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि रांची पुलिस का जो
दल है वो जैसे ही बाहर निकलेगा और इसके बाद यहाँ से सीधे जो है वो रांची के सदर हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है और वहाँ पर मेडिकल जांच कराई जाएगी। मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर ही इस पूरे मामले पर जो तय किया जाएगा कि सुनील तिवारी को अभी मौजूदा स्थिति में किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत है या फिर न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें की जाएगी, लेकिन किसी भी आरोपी को अगर पुलिस पकड़ती है तो उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के से पहले उनकी जो मेडिकल जांच होती है, मेडिकल जांच कराया जाता है सरकारी हॉस्पिटल में, ये सारी प्रक्रिया चलती है। इसी के तहत एयरपोर्ट में जब ट्रांजिट रिमांड के रूप में अब लेकर के यहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद जो सीधे यहाँ से एयरपोर्ट से जो है वो सदर हॉस्पिटल जाने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। तो एक तरफ साफ तौर से देख सकते हैं कि जो पूरी पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद है और ऐसे में अरगोड़ा थाने की जो जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, अरगोड़ा थाना प्रभारी हैं, उनके सब इंस्पेक्टर हैं, कई एसआई हैं और कई पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। एक तो और भी सारी चीजें हैं कि एक टीम का जो स्पेशल टीम का निशान जो गठन किया गया था वो टीम पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के इटावा में लोकेशन बनाई हुई थी और इसी लोकेशन के आधार पर जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही थी और इसी कार्रवाई में जो है वो जो लोग हैं उन्होंने छापेमारी की और सुनील तिवारी के सहयोगी के रूप में उनके दोस्त के घर पर ये रहने की जानकारी मिल रही थी और इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुनील तिवारी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद आज सुनील तिवारी को लेकर के यहाँ पे पहुंच रही है। तो एक जो चुनौतियां थी रांची पुलिस के लिए कि सुनील तिवारी की गिरफ्तारी कर सके, तो सुनील तिवारी की गिरफ्तारी हो गई है। अब इस पूरे मामले पर जिस तरह से कार्रवाई की बात करें तो उनके स्वास्थ्य के साथ साथ इन सारे पहलुओं को देखना है, उसके आधार पर पुलिस ये तय करेगी कि सुनील तिवारी को न्यायिक हिरासत में भेजना है या फिर उसे कोर्ट में पेश करना है या फिर उनसे फिर हॉस्पिटल में दोबारा से यहाँ से ले जाकर के रिम्स जैसे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराई जा सकती है। इमरान, आप हमारे साथ बने रहिए, चूंकि जैसा आपने बताया कि जिस फ्लाइट से सुनील तिवारी आ रहे वो लैंड कर चुकी है, तो जैसे ही चूंकि आप एयरपोर्ट पर बने हुए और जैसे ही सुनील तिवारी बाहर आते हैं हम वहां की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे और आपसे तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले तो फिर से बात कर लेते हैं कि सुनील तिवारी को रांची लाया जा रहा है, यौन शोषण के आरोपी है सुनील तिवारी, आज सुनील तिवारी की कोर्ट में पेशी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार रह चुके हैं सुनील तिवारी, जिन पर संगीन आरोप लगे हैं यौन शोषण के, और कोर्ट में पेशी के लिए आज सुनील तिवारी को लाया जा रहा है। इससे पहले लगातार सुनील तिवारी को तलाशा जा रहा था, ढूंढा जा रहा था, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी को रांची पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के होटल से रविवार को गिरफ्तार कर लिया था। और सीधा रुख करेंगे हम फिर से अपने सहयोगी इमरान का, जो हमारे साथ लगातार बने हुए एयरपोर्ट से। इससे पहले हमने देखा इमरान की किस तरह से लगातार बचने की कोशिश करते नजर आ रहे थे सुनील तिवारी, उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी जिसे लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। देखिए बिल्कुल जैसा इस पूरे मामले में सुनील तिवारी की मुसीबतें और भी तब बढ़ गई थी जब अरगोड़ा ही थाने में एक और मामला दर्ज किया गया था बाल श्रम को लेकर के, तो उस पूरे मामले में भी जो है वो रांची पुलिस खोज रही थी, अरगोड़ा थाना की पुलिस भी खोज रही थी। उस पूरे मामले में भी वारंट और दूसरे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो अरगोड़ा थाना पुलिस जो है वो लेकर रखे थे। ऐसे में एक तरफ जहाँ साफ तौर से जो लोग हैं वो इस पूरे मामले में खोज रहे थे कि ताकि जो हाई प्रोफाइल केस को लेकर के जो कि खूंटी के रहने वाली युवती ने रांची के अरगोड़ा थाने में यौन शोषण से जुड़े मामले पर और एसटीएस से जुड़े अलग अलग धाराओं पर अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, उसके बाद इस पूरे प्राथमिकी के आधार पर रांची पुलिस यह प्रयास करती रह रही थी कि किसी तरह से गिरफ्तार किया जाए। कुछ हलचलें तेज हुई है अंदर में, उनके जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे में अब सुनील तिवारी जो है वो बहुत जल्द बाहर आने के को लेकर के तैयार है और जो लोग हैं आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से सुनील तिवारी को लेकर के यहाँ से जो है वो लेकर के निकल रहे हैं। तो ऐसे में अब बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस पूरे मामले में ये देखिए सुनील तिवारी जो देखिए क्या नाम तिवारी
चलिए न्यूज 11 भारत की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे अपने दर्शकों को, सुनील तिवारी एयरपोर्ट से बाहर आते हुए। आज कोर्ट में पेशी होनी है, लगातार बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे सुनील तिवारी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, न्यूज 11 भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सप्रेसवे के होटल के चैनल नंबर 104 पर बने होटल के कमरा नंबर 103 से सुनील तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, पुलिस अपने साथ सुनील तिवारी को ले जाती हुई कोर्ट में पेशी होनी है। बहुत ही संगीन आरोप लगे हैं, यौन शोषण का आरोप लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार रह चुके, हाई प्रोफाइल मामला, निश्चित तौर पर झारखंड की राजनीति में इसका असर देखने को मिलेगा। इससे पहले बचने के वो तमाम उपाय आरोपी सुनील तिवारी ने किए, अग्रिम जमानत याचिका दायर की जिसे लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया, फिर हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में लोकेशन बदल रहे थे लगातार, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इन्हें गिरफ्त में लिया है। जी इमरान, अपने दर्शकों को हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे, पुलिस ने सुनील तिवारी को वाहन में बिठा लिया है। सीधी तस्वीरें रांची एयरपोर्ट से हम दिखा रहे इस समय, बड़ी खबर न्यूज 11 भारत की। सुनील तिवारी को रांची लाया गया, एयरपोर्ट से बाहर आए, पुलिस उन्हें अपने साथ ले जा रही है। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप तक इस समय रांची एयरपोर्ट से। इमरान, आप हमारी आवाज सुन पा रहे? काफी गहमा गहमी का माहौल है और हाई प्रोफाइल मामला, और निश्चित तौर पर चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार और उन पर इतने संगीन आरोप, निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं और आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत इस पर कहीं ना कहीं और सरगर्मी देखी जा सकती है। फिलहाल कोर्ट में पेशी के लिए आज लाया गया है आरोपी सुनील तिवारी को, जिन पर संगीन आरोप लगे हैं, आदिवासी युवती के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है। ये तस्वीरें जो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं रांची एयरपोर्ट से, थोड़ी देर पहले सुनील तिवारी एयरपोर्ट गेट से बाहर निकले, पुलिस उन्हें अपने साथ बिठाकर ले गई है। सुनील तिवारी जो लगातार बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, अग्रिम जमानत याचिका उन्होंने दायर की थी, लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था, इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 104 पर बने टोल प्लाजा के पास होटल में कमरा नंबर 103 में ठहरे हुए थे, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये सीधी तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं वो रांची एयरपोर्ट की, अब से थोड़ी देर पहले आरोपी सुनील तिवारी जिन्हें जो रांची पहुंचे और पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट से पुलिस रवाना हो चुकी है सुनील तिवारी को अपने साथ लेके, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कई लोग पहुंचे थे एयरपोर्ट पर सुनील तिवारी को, सुनील तिवारी से मिलने के लिए, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कई संगीन आरोप लगे हैं सुनील तिवारी पर, मसलन आदिवासी युवती के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है सुनील तिवारी पर, बड़ा ही गंभीर आरोप है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार और उन पर इस तरह के आरोप लगने कई सवाल खड़े होते हैं और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो झारखंड की सियासत है, निश्चित तौर पर इसमें और भी सरगर्मी बढ़ेगी राजनीतिक गलियारों में। और जब से मामला दर्ज कराया गया है आदिवासी युवती की तरफ से यौन शोषण का मामला, तब से सियासत झारखंड में तेज हो गई है। तो जैसा कि हम बातें कर रहे थे कि सुनील तिवारी लगातार बचने के सारे उपाय कर रहे थे,
और यही वजह रही कि उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था लोअर कोर्ट की तरफ से। तो दो तस्वीरें, एक गहमा गहमी का माहौल रांची एयरपोर्ट पर जैसे सुनील तिवारी बाहर आए, दूसरी तस्वीर पुलिस सुनील तिवारी को अपने साथ ले जाती हुई, न्यूज 11 भारत का कैमरा साथ साथ चलता हुआ। बड़े ही संगीन आरोप लगे हैं, कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर क्यों भागे फिर रहे थे सुनील तिवारी? अगर ये अपने आप को निर्दोष कहते हैं तो भागने की जरूरत क्यों पड़ी? सीधी तस्वीर आपको इस समय हम दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जिसमें गहमागहमी का माहौल है, पूरी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, सुनील तिवारी को पुलिस अपने साथ लेने के लिए घेरा बनाकर पुलिस वहां पर रखी मौजूद है। दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा पा रहे हैं न्यूज 11 भारत का कैमरा साथ साथ चलता हुआ पुलिस की टीम के साथ, जिसमें सुनील तिवारी जिस गाड़ी में बैठे हैं पुलिस अपने साथ ले जाती हुई सुनील तिवारी को। तो आने वाले दिनों में झारखंड में सियासत और तेज होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, बड़ा ही हाई प्रोफाइल मामला है कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी, जिन पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, कई सवाल खड़े होते हैं यहां पर। कोर्ट में पेशी के लिए आज रांची लाया गया है। 16 अगस्त को रांची के अरगोड़ा थाने में आदिवासी युवती की ओर से छेड़छाड़, यौन शोषण के तहत मामला दर्ज कराया था। लगातार पुलिस सुनील तिवारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में पुलिस की टीम ने एक्सप्रेसवे के होटल के चैनल नंबर 104 पर बने होटल के कमरा नंबर 103 से सुनील तिवारी को गिरफ्तार किया है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर। बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी की मुसीबतें और बढ़ सकती है। इन्होंने लगातार बचने के कई उपाय किए, अब पुलिस की गिरफ्त में है, कोर्ट में पेशी होगी, देखने वाली बात होगी इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड में इसे लेकर सियासत और तेज होने वाली है। दो तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर रांची एयरपोर्ट की है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर पहली। दूसरी तस्वीर जिसमें पुलिस अपने साथ सुनील तिवारी को साथ ले जाते हुए, न्यूज 11 भारत का कैमरा भी पीछे पीछे चलता हुआ। हमारे सहयोगी इमरान लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। मामला बड़ा ही हाई प्रोफाइल मामला, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी से जुड़ा हुआ, आरोप कई संगीन लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, आदिवासी युवती के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। देखा होगा आपने इससे पहले भी कि इसे लेकर काफी सियासत हुई, मुश्किलें और बढ़ेंगी सुनील तिवारी की, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर, तो सियासत आगे और भी राजनीतिक लहर झारखंड में वो देखने को मिलेगी। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाते हुए जिसमें पुलिस सुनील तिवारी को अपने साथ लेकर जाती हुई, बचने की
कई कोशिशें सुनील तिवारी की तरफ से की गई इससे पहले, अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था लोअर कोर्ट ने। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पुलिस अपने साथ सुनील तिवारी को ले जाती हुई, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, कुछ लोग भी आए थे एयरपोर्ट में, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई सुनील तिवारी से मिलने के लिए। क्योंकि सुनील तिवारी का कनेक्शन पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से है तो कई सवाल खड़े होते हैं और निश्चित तौर पर सवाल पूछे ही जाएंगे। मामला काफी संगीन है, आरोप आदिवासी युवती के साथ यौन शोषण का। इस मामले को लेकर आपको जानकारी हम देना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई आदिवासी युवती की तरफ से, यौन शोषण का मामला अरगोड़ा थाने में दर्ज कराया गया। लगातार पुलिस ढूंढ रही थी सुनील तिवारी को। 16 अगस्त को आदिवासी युवती ने सुनील तिवारी के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस लगातार ढूंढ रही थी सुनील तिवारी को और अब सुनील तिवारी की कोर्ट में पेशी होगी। जैसे यह मामला सामने आया, बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस समय, आपको याद होगा, और इस पर जो है वो राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही थी। तो आगे और मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि आरोप बेहद ही संगीन है। एक आदिवासी युवती के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है सुनील तिवारी पर, और सवाल यह भी है कि भाई अगर आप अगर निर्दोष है तो भागने की क्या जरूरत पड़ी। दो तस्वीरें लगातार जिसे हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर उस समय की है अब से थोड़ी देर पहले की, जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले सुनील तिवारी, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी, फौरन से उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया गया, काफी गहमागहमी का माहौल भी उस समय देखने को मिला। और दूसरी तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, दूसरी तस्वीर जो आपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो लाइव तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी इमरान लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आगे पुलिस की वो गाड़ी है जिसमें आरोपी सुनील तिवारी है और पीछे से न्यूज 11 भारत का कैमरा उसे कवरेज करता हुआ। सोलह तारीख की बात है जब एक आदिवासी युवती ने अरगोड़ा थाने में मामला दर्ज कराया था, यौन शोषण का मामला दर्ज कराया सुनील तिवारी के खिलाफ। उसके बाद झारखंड का जो सियासी पारा है वो चढ़ गया और आगे निश्चित तौर पर कह सकते हैं हम कि सुनील तिवारी की मुसीबतें और बढ़ने वाली है। बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी, जिन पर बेहद ही संगीन आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप है ये, एक आदिवासी युवती के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है सुनील तिवारी पर, कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन सवाल कई सारे खड़े होते हैं, हाई प्रोफाइल मामला है और दो तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर लाइव है जो हमारे सहयोगी कवरेज दे रहे हैं, इसी वाहन पर सुनील तिवारी को बिठाया है पुलिस ने, सीधे आप तक हम पहुंचा रहे वो तस्वीरें। क्योंकि आप इतना समझिए कि जब से ये मामला सामने आया है 16 अगस्त से, तब से झारखंड की सियासत में कहीं ना कहीं झारखंड की सियासत में सरगर्मी देखने को मिल रही है। मामला जुड़ा है बाबूलाल मरांडी के सलाहकार से, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बाबूलाल मरांडी, उनके सलाहकार से, और उन पर गंभीर आरोप, आदिवासी युवती के साथ यौन शोषण का आरोप निश्चित तौर पर
मुश्किलें और बढ़ेंगी सुनील तिवारी की। दो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, तो इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बचने की कई कोशिशें की गई आरोपी सुनील तिवारी की तरफ से, अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी लेकिन लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया उनकी जमानत याचिका को। अपनी लोकेशन भी बदल रहे थे लगातार सुनील तिवारी, और आखिरकार पुलिस ने इन्हें गिरफ्त में ले लिया है। कोर्ट में पेशी होगा। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि जैसे ये मामला आया था उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था इस पूरे मामले पर और बचाव की कोशिश की थी सुनील तिवारी की। लेकिन सवाल वही उठता है कि जब सुनील तिवारी बेकसूर है, निर्दोष है, तो भागने की क्यों जरूरत पड़ी उन्हें, बार बार लोकेशन क्यों बदल रहे थे। दो तस्वीरें, दूसरी तस्वीर बिल्कुल भी लाइव दिखा रहे हैं हम आपके टीवी स्क्रीन पर। ट्रैफिक है शायद इसलिए गाड़ियां रुकी हुई है, और जैसे सिग्नल मिलेगा गाड़ियां निकलेंगी, कैमरे हमारे चालू है, ऑन है हमारे कैमरे जिस पर हम ये तस्वीरें कैद कर रहे हैं। हमारे सहयोगी इमरान लगातार इसे कवरेज दे रहे हैं, कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जिसमें सुनील तिवारी को पुलिस अपने साथ गाड़ी में ले जा रही है, और पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो थोड़ी देर पहले की है। जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद, तुरंत से उन्हें पुलिस ने वाहन में बिठाया, कई लोग भी मिलने पहुंचे थे सुनील तिवारी से एयरपोर्ट पर, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। तो संगीन आरोप लगे हैं और अब देखना होगा इस पूरे मामले पर आगे, चूंकि बाबूलाल मरांडी के सलाहकार रह चुके हैं, राजनीतिक सरगर्मी तो बढ़ेगी ही, मुसीबतें भी बढ़ेगी सुनील तिवारी की, क्योंकि बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं सुनील तिवारी पर। एक आदिवासी महिला ने 16 तारीख को, बीते 16 अगस्त को अरगोड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाया, और उसके बाद से आपको हम बता दें कि झारखंड की जो राजनीति है उफान पर, और आगे और भी सियासत तेज होगी झारखंड की। बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इस पूरे मामले पर, आपको याद ही होगा। अब देखना होगा ये इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि चूंकि जिस तरह के आरोप लगे हैं सुनील तिवारी पर, सनसनीखेज आरोप, उन्हें इस पूरे मामले पर जवाब तो देना होगा ही, साथ ही ये जवाब देना होगा कि आखिर वो अपना लोकेशन क्यों बदल रहे थे, क्यों भागे फिर रहे थे। न्यूज 11 भारत पर आप सीधी तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। झारखंड की सियासत में एक और आप कह सकते हैं कि उफान आने वाला है। मामला पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी के सलाहकार से जुड़ा हुआ है, मामला आदिवासी युवती के साथ यौन शोषण का जुड़ा हुआ है, संगीन आरोप। दूसरी तस्वीर लगातार हम लाइव दिखा रहे अपने दर्शकों को, पुलिस की गाड़ियां देख सकते हैं आप, ब्लैक शीशा लगा है, सुनील तिवारी को इसमें ले जाया जा रहा है। सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सहयोगी वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और पहली तस्वीर एयरपोर्ट की। तो 16 तारीख को बयान दर्ज कराया गया था, मामला दर्ज कराया गया था थाने के समक्ष, और बेहद ही संगीन आरोप लगे, यौन शोषण का आरोप लगा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार पर। सियासत तेज हुई, बाबूलाल मरांडी को सामने आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। सवाल कई सारे उठते हैं, सवाल ये अहम तब हो जाता है जब अगर आप अपने आप को निर्दोष कहते हैं तो फिर आपको भागने की जरूरत क्यों पड़ी, आपको लोकेशन बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। इन तमाम सवालों के जवाब निश्चित तौर पर आपको देने ही पड़ेंगे। आदिवासियों
के हित की बात लगातार झारखंड में की जाती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, लगातार एजेंडों में मुद्दों में ये शामिल रहता है। लेकिन जब एक आदिवासी महिला के साथ ही यौन शोषण का मामला हो और इस तरह के आरोप लगे तो क्या कहेंगे फिर आप इसे? झारखंड की सियासत की धुरी आदिवासियों के आसपास उनके उत्थान के लिए तय होती है, तो फिर एक आदिवासी युवती के साथ इस तरह से यौन शोषण करना, जैसा कि आरोप लगाया गया आदिवासी युवती के साथ, क्या मैसेज जाएगा? बड़ा ही संगीन आरोप है। न्यूज 11 भारत पर आपको दिखा रहे सीधी तस्वीरें लाइव, दो तस्वीरें, दूसरी तस्वीर लाइव है बिल्कुल, पुलिस के वाहन में सुनील तिवारी पुलिस अपने साथ ले जा रही है, कोर्ट में पेशी होगी सुनील तिवारी की। और पहली तस्वीर दिखा रहे आपको रांची एयरपोर्ट की है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की। जैसे सुनील तिवारी बाहर आए वैसे ही पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद, फौरन से उन्हें पुलिस के वाहन में बिठा लिया गया। हमारे सहयोगी लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे। ट्रैफिक आता है, गाड़ियां रुकती है, फिर सिग्नल मिलता है, पुलिस की गाड़ियां चल पड़ती है और पीछे से न्यूज 11 भारत का कैमरा इसे लाइव कवरेज देता हुआ। और झारखंड की सियासत में, झारखंड की सियासत में निश्चित तौर पर और सरगर्मी बढ़ने वाली है। राजनीतिक उफान देखिए आप आने वाले वक्त में और देखने को मिलेगा। बात ही कुछ ऐसी है, बात झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी, जिन पर गंभीर आरोप आदिवासी युवती के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। कई सवाल खड़े हैं निश्चित तौर पर, जिनके अब जवाब मिलेंगे कोर्ट में जब सुनील तिवारी की पेशी होगी। तो हम बात कर रहे थे कि झारखंड में आपने देखा होगा कि जब कभी भी चुनाव होता है, चुनाव से पहले जो घोषणाएं की जाती है उसमें आपने देखा होगा कि तमाम पार्टियां, तमाम दल कहीं ना कहीं आदिवासियों को केंद्र में रखकर बातें कहती है, आदिवासियों के उत्थान के लिए बातें कहती हैं, उन्हें उनके हक अधिकार न्याय दिलाने की बातें कहती है और चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आए, और इसका कनेक्शन देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी, पहले मुख्यमंत्री झारखंड के, आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड के, उनके सलाहकार सुनील तिवारी, जिन पर संगीन आरोप, आदिवासी युवती के साथ यौन शोषण का आरोप, अपने आप में ये समझिए कि किस तरह से चौंकाने वाली बात है। तो दो तस्वीरें अपने दर्शकों को इस समय हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक बार फिर से बताना हम चाहेंगे, सुनील तिवारी बाबूलाल मरांडी के सलाहकार, पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं आदिवासी युवती ने, अरगोड़ा थाने में यौन शोषण का आरोप लगाया, बचने की कोशिशें सुनील तिवारी की तरफ से की गई, अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई, लोअर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। और अब पुलिस, ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर लाइव दिखा रहे हैं, पुलिस अपने साथ सुनील तिवारी को ले जाते हुए। हमारे सहयोगी इमरान लगातार आप तक सीधी तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दो तस्वीरें, वाहन रुक गया है पुलिस का, सुनील तिवारी उतरेंगे, सुरक्षा के चाक चौबंद, और लगातार न्यूज 11 भारत का कैमरा एयरपोर्ट से लेकर अब तक लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाता हुआ। 16 अगस्त को आदिवासी युवती ने अरगोड़ा थाने में यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था।
और अब सुनील तिवारी पुलिस की गिरफ्त में। इससे पहले लगातार सुनील तिवारी को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, वो बार बार अपना लोकेशन बदल रहे थे, लेकिन आखिरकार सुनील तिवारी को गिरफ्त में ले लिया गया है। न्यूज 11 भारत पर इस समय की यह बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। सुनील तिवारी पुलिस के कब्जे में आ चुके हैं, एयरपोर्ट से लेकर सीधी तस्वीरें अब तक की अपने दर्शकों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील तिवारी पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार। इमरान, आप हमारी आवाज सुन पा रहे? हम अपने सहयोगी इमरान से जुड़ने की कोशिश करेंगे जो लाइव बने हुए हमारे साथ। इमरान, आप सुन पा रहे हमें? चलिए जी, जैसान जी, तो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं इमरान, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सुनील तिवारी की कोविड टेस्ट की जा रही है इस समय। देखिए बिल्कुल जिसान, रांची एयरपोर्ट में जब सुनील तिवारी को लाया गया तो इसके बाद जो रूटीन प्रक्रिया होती है न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले उसका, अब इनका जो कोरोना जांच है, न्यूज 11 भारत में एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, एयरपोर्ट से लेकर के सदर हॉस्पिटल तक ये पूरी तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं साफ तौर से कि किस तरह से सुनील तिवारी की कोरोना जांच अब यहाँ पे कराई जा रही है। कोरोना जांच के बाद कोरोना रिपोर्ट आएगी और उसके बाद जो है वो न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए, बिरसा मुंडा जेल भेजने के लिए किसी भी आरोपी को इन प्रक्रियाओं को अभी गाइडलाइन को पूरा करना पड़ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से जब गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी होने के बाद मेडिकल जांच कराई जाती है, मेडिकल जांच कराने के बाद उसे सीधे यहां पे कोविड जांच कराई गई। कोविड जांच के बाद देख सकते हैं कि जो टीम है अब यहां से वापस जाने के लिए तैयारी कर रही है, क्योंकि यहां पर जो केस आयोग के रूप में है बेरो डीएसपी के नेतृत्व में ही टीम ने जो छापेमारी की थी, छापेमारी के यहां तो सीधे कोविड जांच कराया गया। कोविड रिपोर्ट आने अभी बाकी है, हम आगे भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सुनील तिवारी को यहां से ले जा करके कहां ले जाएगी पुलिस, क्योंकि जिस तरह से पूरे मामले की अगर हम बात करें तो सुनील तिवारी को लेकर के ये बातें भी कही जा रही थी कि वो फरार चल रहे हैं, भागे हुए हैं। ऐसे में इस पूरे मामले पर कार्रवाई के नाम पर रांची पुलिस ने एक टीम का गठन किया था, इस टीम ने जब कार्रवाई की तो बेड़ो डीएसपी के नेतृत्व में टीम उत्तर प्रदेश के इटावा गई, इटावा में जाकर के टीम ने छापेमारी करते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद आज एयरपोर्ट से रांची के सदर हॉस्पिटल लाया, जहां पर सदर हॉस्पिटल में कोविड जांच कराई गई। कोविड जांच के बाद अब जो है कोविड की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जांच की प्रक्रिया, इसके बाद अब जो है यहां से सीधे जो टीमें हैं वो रवाना होगी और इसके बाद मेडिकल जांच भी करानी है अभी बाकी। हालांकि जिस तरह से जो बातें सामने आ रही हैं हम वो भी दिखाएंगे, समझाएंगे कि किस तरह से हैं, हम आगे की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जिसान जी। हमारे सहयोगी और आपसे हम चाहेंगे कि इसमें थोड़ी सी आप खबर को आगे बढ़ाएं, हम अपने बाइक किसके माध्यम से इनको फिर से फॉलो करेंगे और जानेंगे कि इसके बाद यहां से कहां सुनील तिवारी को लेके जा रहे हैं। चलिए, तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोरोना जांच सुनील तिवारी का किया गया। हमारे सहयोगी लगातार इमरान बने हुए इस खबर पर और सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाने की कोशिश करें, और अब सुनील तिवारी को कहां ले जाया जाएगा वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दो तस्वीरें, पहली तस्वीर रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की, जहां सुनील तिवारी जैसे बाहर आए पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया और फिर उन्हें लेकर वहां से चली। दूसरी तस्वीर जो अभी आप देख रहे थे, लाइव तस्वीरें, अभी की तस्वीरें, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कोविड जांच सुनील तिवारी का किया गया है और फिर यहां से सुनील तिवारी को पुलिस लेकर आगे बढ़ी है। न्यूज 11 भारत का कैमरा भी इस समय मौजूद है और इस पूरे कवरेज को लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो बेहद ही संगीन आरोप अपने दर्शकों के एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे। यह आरोप है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी पर। एक आदिवासी युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया है अरगोड़ा थाने में, इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई गई और लगातार पुलिस की एक टीम बनी थी जो सुनील तिवारी को ढूंढ रही थी। 16 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई गई थी आदिवासी युवती की तरफ से थाने में, उसके बाद पुलिस की एक टीम लगातार छापेमारी कर रही थी, ढूंढ रही थी सुनील तिवारी को। सुनील तिवारी जो कि कई बार लोकेशन बदल रहे थे, आखिरकार सुनील तिवारी को पकड़ लिया गया।
और अब ये सीधी तस्वीरें। तो झारखंड की सियासत निश्चित तौर पर और उफान पकड़ेगी, झारखंड की सियासत में सरगर्मी और बढ़ेगी, क्योंकि मामला जुड़ा है झारखंड के सबसे पहले के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी पर संगीन आरोप से। संगीन आरोप लगे हैं, आदिवासी युवती ने इन पर लगाए हैं कई गंभीर आरोप। तो बात वही हम कर रहे थे कि भाई झारखंड में जब चुनाव होता है, चुनाव से पहले जो घोषणाएं किए जाते हैं, आपने देखा ही होगा अक्सर कि केंद्र में आदिवासी को रखा जाता है और लगभग लगभग सभी पार्टियां, सभी दल ये दावा करती हैं कि हम आदिवासियों के उत्थान के लिए काम करेंगे। झारखंड ट्राइबल स्टेट है, पिछड़ा राज्य है, यहां पर कई ऐसी चीजें हैं जिसे आगे फ्यूचर प्लान वो बताते हैं कि हम ये करेंगे, हम ऐसे आदिवासियों की जो जीवन शैली है उसे मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे, वो तमाम बातें कही जाती है। लेकिन जब आरोप लगता है इस तरह का संगीन आरोप, वो भी झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार पर, निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं और बहुत ही गंभीर आरोप है ये। जवाब देने पड़ेंगे, मुश्किलें और बढ़ेगी सुनील तिवारी की, उनको जवाब देना होगा। वो बार बार क्यों लोकेशन बदल रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह बार बार क्यों जा रहे थे, क्यों पुलिस को चकमा दे रहे थे, ये सभी सवाल निश्चित तौर पर। और आपको जैसा कि हम बता दें कि बचने की कोशिश भी सुनील तिवारी ने की, अग्रिम जमानत याचिका उन्होंने दायर की, लेकिन लोअर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इस पर बाबूलाल मरांडी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सुनील तिवारी को लेकर, उनके बचाव को लेकर। अब आगे देखने वाली बात होगी कि इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ सामने चीजें आती, लेकिन फिलहाल सुनील तिवारी पुलिस की गिरफ्त में, लगातार पुलिस ढूंढ रही थी, एक पुलिस की टीम बनी थी। दूसरी तस्वीरें फिर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कोविड जांच के बाद पुलिस फिर से सुनील तिवारी को अपने साथ ले जा रही है और पीछे पीछे न्यूज 11 भारत का कैमरा उसे कवरेज देता हुआ, हमारे सहयोगी इमरान लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। सोलह अगस्त को एक आदिवासी युवती ने अरगोड़ा थाने में सुनील तिवारी को लेकर मामला दर्ज करवाया था, यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया था। और उसके बाद अग्रिम जमानत के लिए सुनील तिवारी ने एक याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। पुलिस की एक टीम बनी, लगातार सुनील तिवारी को ढूंढा जा रहा था, सुनील तिवारी लोकेशन बदल रहे थे, लेकिन आखिरकार पुलिस ने सफलता पाई, सुनील तिवारी को हिरासत में ले लिया गया। कई लोग भी गए थे सुनील तिवारी से मिलने के लिए एयरपोर्ट पर, वो तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई और फिलहाल लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि आप जो तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, दो तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर एयरपोर्ट की है और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे लाइव जिसमें पुलिस अपने साथ सुनील तिवारी को लेकर जा रही है। थोड़ी देर पहले कोरोना जांच हुई सुनील तिवारी की कोरोना प्रोटोकॉल के तहत और अब पुलिस उसे अपने साथ लेकर जा रही है, पीछे पीछे न्यूज 11 भारत का कैमरा चलता हुआ। तो बात वही है कि जब आरोप इतने संगीन हो निश्चित तौर पर, और अगर आप बेकसूर है, आप निर्दोष है, तो फिर आपको भागने की जरूरत क्यों पड़ी, लोकेशंस बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तमाम सवाल जिसका जवाब सुनील तिवारी को देना है। गंभीर आरोप आदिवासी युवती के साथ यौन शोषण के मामले में जवाब सुनील तिवारी को देना है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि मामला सुनील तिवारी से जुड़ा हुआ है जो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार है, तो इसमें इसे लेकर झारखंड में आने वाले वक्त में आप देखना कि सियासत तो तेज होगी ही, लेकिन कई सवाल भी यहां पर खड़े होते हैं। सवाल भी कई सारे खड़े होते हैं। देखिए ये तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें, पुलिस की गाड़ी आगे चल रही है सुनील तिवारी को लेकर अपने साथ, पीछे पीछे हमारे सहयोगी उसे कवर कर रहे हैं, वो तस्वीरें आप तक दिखा रहे। तो बात हम कर रहे थे वही कि जब हाई प्रोफाइल मामला और मामला उस शख्स से जुड़ा हो जो सलाहकार हो पूर्व मुख्यमंत्री का, उन पर जब संगीन आरोप लगे तो निश्चित तौर पर आप कई सवाल जरूर आपके जहन में आ सकते हैं।
लगातार पुलिस ढूंढ रही थी सुनील तिवारी को, और यह भी सामने आया कि सुनील तिवारी अपना लोकेशन बदल रहे हैं, लेकिन आखिरकार पुलिस की टीम ने सफलता पाई, सुनील तिवारी को हिरासत में लिया गया। झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी, 16 अगस्त का वो दिन जब एक आदिवासी युवती ने यौन शोषण का आरोप सुनील तिवारी पर लगाया। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस समय, और दूसरी तस्वीर बिल्कुल लाइव है। सुनील तिवारी को पुलिस अपने वाहन में लेकर आगे बढ़ रही है, और पीछे से न्यूज 11 भारत का कैमरा उसे कवरेज देता हुआ। बहुत गंभीर आरोप लगे हैं सुनील तिवारी पर, आदिवासी युवती के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है सुनील तिवारी पर, और अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ खुलासे हैं वो आगे हो पाएंगे। निश्चित तौर पर लगातार न्यूज 11 भारत भी अपने दर्शकों तक वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है। और बात वही है कि जब बातें होती है झारखंड की और दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्यों में झारखंड की जो छवि बनी हुई है कि एक ट्राइबल स्टेट है और पिछड़ा स्टेट है, यहाँ पर काफ़ी कुछ काम करने हैं आदिवासियों के हित के लिए, उन्हें मुख्य धारा में, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आदिवासियों के लिए बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। कैसे आदिवासियों की शिक्षा, जनजातीय मामलों के जो केंद्रीय राज्य मंत्री है अर्जुन मुंडा, वो भी लगातार ये कहते हैं कि हम झारखंड में किस तरह से आदिवासियों के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के ध्यान को आकर्षित कराने की हम पूरी कोशिश करते हैं, जनजातीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मुंडा लगातार वो इस कोशिश में भी रहते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और छवि, दूसरी तरफ एक स्याह वाली छवि, दूसरी तरफ एक काली छवि, जब इस तरह की खबरें सामने आती है न्यूज 11 भारत लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है उस शख्स की जिस पर आदिवासी युवती ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। उस शख्स की तस्वीर सीधी आपको दिखा रहा है जो झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार है, जिन पर यौन शोषण का आरोप एक आदिवासी युवती पर। कोविड जांच हो चुकी है, कोरोना की जांच हो चुकी है, और अब पुलिस अपने साथ सुनील तिवारी को लेकर जाती हुई। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से लेकर अब तक की ये तस्वीरें आप न्यूज 11 भारत पर सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, और इसलिए भी राजनीतिक सियासत की सरगर्मी बढ़ी है, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है और बाबूलाल मरांडी के पूर्व सलाहकार से जुड़ा यह पूरा मामला है। इसके साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, आगे आपको हम दिखाएंगे वो तमाम तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।